Bismillah Rahim, dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 2.7, unit number 2, which is kinematics. Let us see its statement. Problem 2.7 ट्रेन स्टार्टिंग फ्राम रेस्ट एक्सरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वास्टी ऑफ फोर्टी एट किलोमीटर पर आर इन टू मिनट्स एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है एक्सरेशन उसका यूनिफॉर्म है और उसकी वालासिटी फोर्टी एट किलोमीटर पर आवर हो जाती है आफ्टर टू मिनट्स यानी दो मिनट्स के बाद इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर फाइव मिनट्स फिर वो 48 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पाँच मिनट और ट्रेवल करती है फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटॉर्डेशन फिर उसमें रिटॉर्डेशन होता है यानी उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाती है एंड स्टॉप्ड आफ्टर थ्री मिनट्स और तीन मिनट के बाद वो स्टॉप हो जाती है यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ट्रेन ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको हमने मालूम करना है तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे एक तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे ग्राफ बना के डिस्टेंस मालूम करेंगे और दूसरा फिर हम इसको एनालिटिकल मेथड से करेंगे यानी मैथमेटिकल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है और हमें इसमें मालूम क्या करना है सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको ग्राफिकल मैथड से सॉल्व करना है लेट फर्स्ट रॉस स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द ट्रेन तो क्या है एक हम एक्स एक्सएक्सेस लेंगे एक्स एक्सएक्सेस की तरफ हम टाइम ले लेंगे टाइम क्योंकि हमें मिनट्स में दिया गया है इसलिए हम टाइम मिनट्स में ले लेंगे वाई एक्सेस की तरफ हम वेलोसिटी ले लेंगे वेलोसिटी क्योंकि किलोमीटर पर आर में दी गई है तो इसलिए किलोमीटर पार आर में वालासटी ले लेंगे इधर हमारे पास जीरो से लेकर टेन मिनट्स तक हमने जाना है तो जीरो से लेकर टेन मिनट्स तक चले जाएंगे और इधर हमें फोर्टी एट किलोमीटर पर आर वालासिटी तक जाना है तो इसलिए यहाँ पे हमने फिफ्टी तक चले गए हमने एक एक डिवीज़न इधर हमने टेन किलोमीटर पर आर के बराबर रख लिया और इधर एक डिवीज़न जो है वो एक मिनट के बराबर हमने रख लिए तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दो मिनट के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो 48 हो गई तो दो मिनट पे जाके यहाँ पे हम दो मिनट पे चले गए हैं और ये वलास्टी हमारी यहाँ पे ये 48 किलोमीटर पार आर होगी तो यहाँ पे पहुँच गए हम यहाँ से फिर वो अगले पाँच मिनट 48 किलोमीटर पार आर की वलास्टी से चलती रहती है उसकी वलास्टी चेंज नहीं हो रही तो ये अगले पाँच मिनट जो हैं यानी सात मिनट तक हम यहाँ पर पहुँच गए उसके बाद उसमें रिटॉर्डेशन शुरू होता है उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होती है और तीन मिनट के अंदर यानी यहाँ से सात से लेकर दस मिनट तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है वो यूँ बन गया यहाँ से ट्रेन चलेगी दो मिनट के बाद वो यहाँ पे वेलोसिटी होगी उसकी फिर वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी सात मिनट पे यहाँ पे पहुँच गई और उसके बाद फिर तीन मिनट के अंदर वो वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो गई तो ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया इसको हमने मार्क कर लिया ओ इसको ए कह लिया पॉइंट को इसको बी कह लिया और इसको सी कह लिया इस तरह से हमारे पास ये जो ग्राफ बन गया है ये एक ट्रेपेजियम बन गई है जो कि ओ ए बी सी है इस ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल हैं एक ये साइड है ओ सी ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक बनती है दूसरी साइड ये है ए बी ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और इस ट्रेपेजियम की हाइट जो है वो ये बनती है ए डी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये हाइट जो बनती है ये कितनी है इस तरफ को क्योंकि वलास्टी है तो ये वलास्टी में मयर होगी यानी ये 48 किलोमीटर पर आर बनती है जी ये, ये हाइट जो है इसकी और ये साइड कितनी बनती है ये साइड 10 मिनट बनती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइड जो है ये 5 मिनट बनती है और हमें ये मालूम है कि जो वलास्टी टाइम ग्राफ होता है वो जो एरिया कवर करता है जो एरिया उसके अंडर आता है वो उसका डिस्टेंस के बराबर होता है तो इस तरह से अगर हम इस ट्रेपिजियम का एरिया मालूम कर लेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली डिस्टेंस आ जाएगा जो ट्रेन कवर करेगी तो हम इसका एरिया मालूम करते हैं इस ग्राफ का यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ये इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है यानी डिस्टेंस बराबर आ जाएगा एरिया का फार्मूला लगाएंगे ये होता है वन ओवर टू इन सम ऑफ़ पैरल साइड्स यानी दो साइड्स दोनों जो पैरल हैं यानी टाइम वाली साइड्स हमारे पास पैरल हैं दोनों इनटू हाइट और उसकी हाइट आएगी तो ये इक्वल टू हो जाएगा वन ओवर टू सम ऑफ पैराल साइड हमारे पास ओ सी थी और दूसरी साइड जो उसके पैरल थी वो ए थी और हाइट उसकी ए डी थी ग्राफ से अगर हम देखें दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा इसको ये देखें ये ओ सी साइड है ये पैरल है और ये साइड ये आपस में पैरल है तो ओ सी प्लस ए बी आएगा और मल्टीप्लाई होगा हाइट के साथ हाइट कितनी है ए डी तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है इसके लिए कि एस इज इक्वल टू वन ओवर टू ओ सी प्लस ए बी ए डी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एस इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू ओ ओ सी कितना है टेन मिनट है और ए बी कितना है फाइव मिनट है इन टू ए डी कितना है वो फोर्टी एट किलोमीटर पर आर है तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी अब इन वैल्यूज़ को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है टेन मिनट्स जो हैं इसके सेकंड्स बनाएंगे तो ये सिक्सटी से मल्टीप्लाई होगा ये सिक्स हंड्रेड सेकंड बन जाएंगे फाइव मिनट के सेकंड बनाएंगे तो ये सिक्सटी से मल्टीप्लाई होगा थ्री हंड्रेड बन जाएंगे 48 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये मीटर पर सेकंड बन गए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा वन ओवर टू सिक्स हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड नाइन हंड्रेड सेकंड हो गए इंटू फोटी एट ये टेन ओवर थर्टी सिक्स हो जाएगा ऊपर से दो ज़ीरो और नीचे से दो जीरो कैंसिल हो गए तो ये इसको टू से डिवाइड कर दिया हमने नाइन हंड्रेड को तो ये फोर फिफ्टी गए सेकेंड्स और ये हमारे पास टेन ओवर थ्री आ जाते हैं ये इन टू ये फोर आ जाएगा ये ट्वेल्व से हमने काट दिया इसको 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 ट्वेल्व से काट दिया ट्वेल्व थ्री हजार थर्टी सिक्स और ट्वेल्व फोर हज़ार फोटी एट तो ये टेन ओवर थ्री आ गया और ये फोर आ गया अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास थ्री से हमने इसको डिवाइड किया 450 को थ्री वन ज़ार थ्री और थ्री फाइव ज़ार फिफ्टीन जो ज़ीरो आ जाएगा यानी वो वन फिफ्टी सेकेंड आ जाएंगे और ये हमारे पास रह जाएगा फोर और ये रह जाएगा टेन तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है सिक्स थाउजेंड मीटर दस द ट्रेन विल कवर सिक्स थाउजेंड मीटर इन टोटल टाइम ऑफ टेन मिनट्स तो ये हमने रिजल्ट निकाल लिया हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का अब हम दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर हमने ग्राफ नहीं बनाना है वैसे इसको सॉल्व करना है तो वैसे है इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो हमें यह मालूम है अल्टरनेट मेथड यूज़ करते हैं हम इसको हमारे पास ट्रेन जो है उसकी जो मोशन है उसको हम तीन स्टेप में डिवाइड करेंगे पहला स्टेप ये था जब वो एक्सरेट हो रही है दो मिनट तक और दूसरा स्टेप था हमारे पास जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है पाँच मिनट तक और फिर तीसरा स्टेप हमारे पास बनेगा जब उसमें रिटॉर्डेशन है सेकंड तीन, सेक, तीन मिनट्स तक तो सॉरी मिनट्स हैं हमारे पास टाइम मिनट्स में दिया गया यानी पहले दो मिनट में एक्सरेशन है ये एक स्टेप बनेगा उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ फिर दूसरा स्टेप जो बनेगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो वो पाँच मिनट तक मूव किया उसमें कितना डिस्टेंस बना और फिर तीसरा स्टेप बनेगा हमारे पास रिटार्डेशन वाला कि जब वो रिटार, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो तीन मिनट के अंदर तो उस वक्त उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो ये तीन स्टेप हम इसके बनाएंगे स्टेप नंबर वन व्हेन ट्रेन मूव्ड विद यूनिफॉर्म एक्सरेशन तो उस वक्त उसकी इनिशियल कितनी थी ज़ीरो थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई दो मिनट के बाद वो फोर्टी एट किलोमीटर पार आर हुई हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फोर्टी एट इंटू थाउजेंड ओवर थर्टी सिक्स तो ये दो ज़ीरो इस दो जीरो से कट गए और ये हमारे पास इसको डिवाइड करें तो ये फोर्टी ओवर थ्री आ जाता है फोर्टी ओवर थ्री बन जाता है हमने इसको पॉइंट्स में इसलिए नहीं किया ये थर्टीन पॉइंट थ्री 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 थ्री, थ्री बनेगा और उस तरह से फिर हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा तो हम इसको फोर्टी ओवर थ्री रहने देते हैं तो टाइम कितना है टू मिनट और इसको भी हमने सेकंड बनाने हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी से इसकी जीरो थी फाइनल वेलोसिटी से उसकी फोर्टी ओवर 3 मीटर पर सेकंड थी और वो 120 सेकंड तक मूव किया तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए फॉर्म होता है एस इज ईक्ल टू वी टी वहाँ पर वी क्या होता है वी एवरेज होता है तो हमने क्योंकि तीन स्टेप करने हैं तो तीन दफ़ा डिस्टेंस निकालना है तो इसलिए हम इसको एस वन कह लेते हैं एस वन इज ईक्ल टू वी एवरेज इन टू टी वी एवरेज कैसे निकलता है दोनों वेलोसिटीज को सम करके उसको दो पेड़ तकसीम करेंगे यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी प्लस फाइनल वेलोसिटी फोर्टी ओवर थ्री है मीटर पर सेकंड है और इसको दो पे डिवाइड करना ताकि एवरेज आ जाए इसकी और टाइम कितना है एक सौ बीस सेकेंड तो ये फोर्टी ये जीरो तो खत्म हो जाएगा ये फोर्टी ओवर थ्री होगा थ्री नीचे जाके फोर्टी ओवर सिक्स बन जाएगा फोर्टी ओवर सिक्स मीटर पर सेकंड इंटू वन ट्वेंटी सेकेंड यू एस वन इज इक्वल टू फोर्टी मीटर पर सेकंड ओवर सिक्स इंटू वन ट्वेंटी सेकेंड अब ये सिक्स से जब वन ट्वेंटी को डिवाइड करेंगे तो ये ट्वेंटी आ जाएगा फोर्टी को जब ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट हंड्रेड आ जाएगा ये एस की पावर माइनस वन है यानी सेकेंड पर सेकंड है और ये एस की पावर वन है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये सिर्फ मीटर रह जाएगा तो एस वन इजिकल टू एट हंड्रेड मीटर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन जो है वो एक्सरेट हो रही थी दो मिनट तक ज़ीरो से उसकी वेलोसिटी जो है वो 48 एट किलोमीटर पर आर हुई है तो उस दौरान तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एट हंड्रेड मीटर है अब सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं वेन ट्रेन मूव्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी है 48 किलोमीटर पर आर है उसी तरह से हम उसको कन्वर्ट करेंगे ये 40 ओवर 3 मीटर पर सेकंड बन जाएंगे टाइम उसने कितना टाइम ट्रेवल किया है 5 मिनट्स इसके भी सेकंड बनाएंगे फाइव टू सिक्सटी ये 300 हंड्रेड सेकेंड बन जाते हैं उसी तरह से डिस्टेंस मूवड एस टू ले लेते हैं इसको सेकंड स्टेप में जो डिस्टेंस उसने मूव किया तो वी एवरेज इंटू आ जाएगा वी इंटू आ जाएगा अब क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी से मूव किया है तो इसलिए जो उसकी वेलोसिटी है वही उसकी एवरेज वेलोसिटी बनेगी यानी 40 ओवर 3 मीटर पर सेकंड तो ये 40 ओवर 3 मीटर पर सेकंड लग जाएगी वेलोसिटी और 300 सेकंड तक उसने मूव किया है तो 3 से जब इस 300 को डिवाइड करेंगे तो 100 बनेगा 100 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर थाउजेंड बन जाएगा और ये एस की पावर माइनस वन और एस की पावर वन कैंसिल हो जाएंगे और मीटर यूनिट आ जाएगा हमारे पास एस टू का तो एस टू इज एकल टू फोर थाउजेंड मीटर हमारे पास आंसर आ गया इसका तो ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पाँच मिनट तक मूव किया ट्रेन तीसरे स्टेप में उसमें रिटार्डेशन है व्हेन ट्रेन मूव्ड विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी थी वी आई फोर्टी एट किलोमीटर पर आर थी उसी तरह से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया फोर्टी ओवर थ्री मीटर पर सेकंड बनेगी अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जानी है क्योंकि उसने रुक जाना है और टाइम कितना लेना है उसने तीन मिनट लिए तो उसके सेकंड बना लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके वन एटी सेकंड तो अब S3 निकालने के लिए वही V एवरेज इंटू टी अब V एवरेज क्या होती है दोनों ब्लास्टिस का सम ओवर टू तो ब्लास्टरी उसकी कितनी थी इनिशियल 40 ओवर थ्री मीटर पर सेकंड फाइनल कितनी हो गई ज़ीरो हो गई तो डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो वो यही फोर्टी ओवर सिक्स बन जाएगा जी मल्टीप्लाईड बाई वन तो S3 थ्री इज इक्वल टू फोर्टी ओवर सिक्स मीटर पर सेकंड इंटू वन एटी सेकंड तो ये सिक्स से जब डिवाइड करेंगे सिक्स थ्रीजार एटीन तो ये थर्टी बन जाएगा थर्टी जब फोर्टी से मल्टीप्लाई होगा तो ट्वेल्व हंड्रेड बन जाएगा और एस की पावर माइनस वन एस पावर वन से कैंसिल हो जाएगा और एम आ जाएगा हमारे पास यानी एस थ्री इज ल टू बारह सौ मीटर तो जब रिटार्डेशन था उसमें ट्रेन रुक रही थी तो रुकने से पहले उसने बारह सौ मीटर डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर लिया तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने एस इज वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री पहले स्टेप में उसने 800 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया था जब वो एक्सरेट हो रही थी दूसरे स्टेप में जब वो यूनिफॉर्म व्लास्टी से पाँच मिनट मूव किया तो उसने चार मीटर फासला तय किया और तीसरे स्टेप में जब उसमें रिटार्डेशन था वो रुक रही थी तो उसने 1200 मीटर फासला तय किया तो तीनों जमा होकर टोटल हमारे पास 6000 मीटर तो आंसर हमारा वही निकला जो ग्राफ से हमने मालूम किया था दस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 6000 मीटर तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमने दोनों तरीके देख लिए जो तरीक़ा आपको ज़्यादा पसंद आए आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें दोस्तों को भी दावत दें ख़ुद भी देखें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ वीडियोज़ इसी तरह की मजीद जो आप तक पहुँचती रहें मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़ शाद रहें आबाद रहें